हाय एवरीवन, चलो आज अपना यम्मी सा हनी चिली पोटैटो बनाते हैं। आई गेस इट्स द बेस्ट स्नैक इवनिंग टाइम में, लेट नाइट हंगर, कोई पार्टी, आप कभी भी बनाएं इसको। क्रिस्पी एंड यम्मी काफ़ी अच्छा होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पोटैटो को हम छीलेंगे, उसके बाद इस तरह कट करेंगे जैसे फिंगर चिप्स कट करते हैं ना, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होगा। फिंगर चिप्स की मशीन आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कट कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल हाथ से भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं होता। पतला पतला एकदम इस तरह कट करेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं, मीडियम साइज रहेगा इस तरह का। देखो इस तरह कट करना है। देन वी विल चॉप सम वेजिटेबल्स। कैप्सिकम और अनियन हमने यूज़ किया है, मीडियम साइज में कट करेंगे दोनों को, ज़्यादा बड़ा नहीं कट करना, मतलब एक नॉर्मल साइज रखना, छोटा छोटा पीसेस, ताकि वो खाने में भी अच्छा लगे। और जो अनियन की क्वांटिटी है वो एकदम आपके अकॉर्डिंग रहेगी, आपको जितना डालना है आप डालो, इस तरह कट करना इसको बल्कि, और छोटा कनिया कैप्सिकम को वो बेटर रहेगा। यार हनी चिली पोटैटो मुझे तो बहुत पसंद है, इनफैक्ट मेरे घर में सबको पसंद है, आपके यहाँ भी पसंद होगा यार सबको, है ना, कमेंट में ज़रूर बताएं। ये तीन चीज़ मेन है हमारी हनी चिली पोटैटो में। फिर एक कढ़ाई लेके उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है हमने, थोड़ी देर गर्म होने देंगे तेल को, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉर्नफ्लोर होता है ना वो डालेंगे इसको, मतलब अच्छे से मिक्स करेंगे कॉर्नफ्लोर को इसमें, एक तरीके से मैं बोलूं तो अच्छे से लपेटेंगे इसमें। ये कॉर्नफ्लोर है हमारा, इसको पूरा अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे, हाथ से ही कर लो या स्पून से कर लो, कैसे भी करो आप, अच्छे से उसमें मतलब लिपट जाना चाहिए, यानी कि सराउंड करना चाहिए पूरे पोटैटो को जो कॉर्नफ्लोर है। ये तब करेंगे जब हमारा जो तेल है वो गर्म हो रहा होगा कढ़ाई में, और हम साइड में ये कर रहे होंगे, दोनों पैरेलल चलाओ नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, देखो पूरा हमारा सराउंड कर गया है कॉर्नफ्लोर, इस तरह अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद हम जो तेल गरम किया था उसमें हम अपना कॉर्नफ्लोर वाला पूरा पोटैटो डालेंगे और इस तरह चलाएंगे उसको। तब तक फ्राई हो रहा है तब तक आप ना कुछ भी अपना दूसरा काम कर सकते हो, नहीं तो इसको चला ही सकते हो बस। और मेनली मैं बता दूँ, दो बार हम इसको फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्प अच्छा है हमारा, ये याद रखना पॉइंट, दो बार करना, एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे एकदम एक बार में पूरा मत कर देना। देखो कितना अच्छा है हमारा, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक भी नहीं रहा एकदम प्रॉपर, जब तक वो गोल्डन नहीं हो जाता ना तब तक फ्राई करेंगे उसको। देन जो हमारी वेजिटेबल्स है वो हम एक साइड में रखेंगे, उसके बाद देखो पहले तो हमने ये रखा, ये इंग्रीडियंट्स हमारे यूज हुए हैं इसमें। देखो हम फिर इसको साइड में, मैंने बोला ना कि फिर से चलाएंगे यानी कि फ्राई करेंगे ताकि अच्छे से हमारा क्रिस्पी बने, क्योंकि हनी चिली पोटैटो सॉगी ही अच्छा नहीं लगेगा, क्रिस्पी ही अच्छा लगता है। तेल लेंगे हम मस्टर्ड ऑयल, यानी उसमें सीसम सीड्स यानी कि जो व्हाइट तेल होता है वो डालेंगे, उसमें हम अनियन और जो हमारा कैप्सिकम है वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। वी विल बेसिकली सॉट इट वेल, उसको चलाएंगे हम अच्छे से। इसमें हमने गार्लिक पाउडर डाला है, आप गार्लिक भी डाल सकते हो, गार्लिक उस समय अवेलेबल नहीं था तो पाउडर फॉर्म में डाल दिया उसको हमने, आप कुछ भी करो दोनों टेस्ट अच्छे आएंगे दोनों में ही। उसको अच्छे से मिक्स करना, देखो कितनी अच्छी लग रही है ना वेजिटेबल्स, जो स्लरी होती है ना, मतलब जो कंसिस्टेंसी जो पेस्ट होता है वो बनाने के लिए इस तरह होता है। कॉर्नफ्लोर को पानी में मिक्स करेंगे, उसके बाद उसको अच्छे से चलाएंगे, वो स्लरी होता है हमारा। हमने एक स्पून शुगर डाली है इसमें, फिर सोया सॉस, सोया सॉस घर में भी आप बना सकते हो, उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, शॉर्ट्स में पड़ी है। फिर केचप डाला है टेस्ट एनहांस करने के लिए, देखो पूरा मिक्स करेंगे हम अच्छे से इस तरह, कलर कितना अच्छा लग रहा है ना। अब जो हमने स्लरी बनाई थी वो डालेंगे, और हनी ऐड किया है हमने 3 से 4 बड़ी स्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे ताकि हमारा टेस्ट एनहांस हो जाए, चिली सॉस ऐड करेंगे और सॉल्ट अपना स्वाद अनुसार रहेगा, देखो अच्छा लग रहा है। और फिर जो हमारे फ्राइड पोटैटो थे उसमें डाल देंगे स्लरी में, स्लरी नहीं जो पेस्ट है हमारा बेसिकली, देखो पूरा हमारा बन गया अच्छे से मिक्स करने के बाद।
कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके सो आप ये सर्व कर सकते हो गरम गरम, स्नैक के तरह आप खाओ, बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करो और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना यार, एंड इंस्टा पे फॉलो करो अगर नहीं कर रहे हो तो। ओके न्यू रेसिपी के साथ अगले संडे मिलते हैं, बाय।